इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन पाइप होता है उसे किस तरीके से वॉशिंग मशीन में लगाना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर में ड्रेन पाइप को एक जगह के ऊपर क्लिप किया गया है, मतलब यहाँ पे फिक्स किया गया है। जो आप ये रेड सर्कल देख रहे हैं, यहाँ से कभी भी ड्रेन पाइप को रिमूव नहीं करना चाहिए। उसके बाद ड्रेन पाइप को एक बैंड की मदद से आप हुक टाइप में बना सकते हैं। ये बैंड वॉशिंग मशीन के साथ ही आता है, जैसा आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। इसको लगाने का तरीका आप देखेंगे आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यू बैंड था, हमने उसके ड्रेन पाइप के लास्ट सिरे के ऊपर हुक टाइप से लगा दिया है, तो ये ड्रेन पाइप को इजीली हैंग करने के काम आता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ड्रेन पाइप की जो ऊंचाई रहेगी वो वॉशिंग मशीन की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे वॉशिंग मशीन की जो हाइट है उसी हाइट के ऊपर ड्रेन पाइप को ड्रेन के अंदर हुक कर दिया गया है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के पाइप को कभी भी फ्लैट करके ज़मीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो सारा पानी जो है वॉशिंग मशीन का ड्रेन आउट हो जाएगा और मशीन एरर भी दे सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।